इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडो इंटरनेशनल प्रीमियर कबड्डी लीग के बारे में। तो एक नए कबड्डी लीग के बारे में जानने के लिए आप क्या कीजिए, बस शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, ये लीग कोई छोटा मोटा लीग नहीं होने वाला है। छोटा मोटा से मेरा मतलब कि लीग खत्म भी हो जाए और हमें पता भी ना चले। ये एक बहुत बड़ा कबड्डी लीग होने वाला है, इसको आप दूसरा सबसे बड़ा कबड्डी लीग भी कह सकते हो। तो चलिए, मेरे पास बहुत अपडेट्स है, मैं आपको दे देता हूँ। तो पहले शुरू करते हैं शुरू से। तो इंडो इंटरनेशनल प्रीमियर लीग का स्टार्टिंग डेट है 26 जनवरी, मतलब ये लीग आपको 26 जनवरी से देखने को मिलेगा। और इसकी प्लेयर्स ड्राफ्टिंग मतलब ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा 5 जनवरी को, और उस दिन सारी टीम्स बन जाएगी और मैं आपको स्क्वाड बता दूंगा। उसके बाद जब स्क्वाड बन जाएगी तब, और मैं आपको बता दूं कि ये लीग आपको लाइव दिखाया जाएगा डी स्पोर्ट्स पर। उसका लोगो अभी आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये लीग बहुत ज़्यादा बड़ा है, बस मुझे एक चीज़ इसमें अच्छी नहीं लगी, इसके ब्रॉडकास्ट पार्टनर जो डी स्पोर्ट्स है। मुझे लगता है कोई बड़ा ब्रॉडकास्ट पार्टनर रखना चाहिए था, जैसे सोनी 10 हो सकता था आपका पार्टनर, तो उसको आप रख लेते तो आपका लीग आई थिंक ज़्यादा बेटर रहता, अगर आप डी स्पोर्ट्स से कंपेयर करो तो। पर फिर भी देखते हैं क्या होता है, कितनी ज़्यादा अच्छी रेटिंग व्यूअरशिप मिलती है। इस लीग में हमें 8 टीमें देखने को मिलेगी, बेंगलुरु राइनोज, चेन्नई चीताज, दिल्ली डूमर्स, तेलंगाना बुल्स, पटना पैंथर्स, हरियाणा हरिकेन्स, मुंबई मराठास और कोलकाता टाइगर्स। तो ये 8 टीमें हमें देखने को मिलेगी इस लीग में। और इस लीग में मतलब पूरे लीग मैचेस मिलाकर 62 लीग मैचेस हमें देखने को मिलेंगे, और उसके साथ साथ प्लेऑफ्स के भी मैचेस देखने को मिलेंगे। तो अभी तक शेड्यूल तो रिलीज नहीं हुआ है कि मैं आपको कंफर्म मैचेस बता दूं कितने मैचेस हैं, बट हाँ, लीग के 62 मैचेस हमें देखने को मिलेंगे, 62 मैचेस। और यहाँ पर हमें इंडियन नेशनल प्लेयर्स और इंटरनेशनल प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर हमें फॉरेन प्लेयर्स भी देखने को मिलेंगे, और कुछ देशों के मैं आपको नाम बता दूँ जहाँ से प्लेयर्स आने वाले हैं इस लीग में। तो उन देशों का नाम आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। तो बहुत सारे देश हैं जहाँ से मतलब प्लेयर्स आने वाले हैं, देख सकते हो बहुत सारे देश हैं। और इतने ही नहीं, जितना आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है और भी बहुत सारे हैं। लास्ट में आपको ETC दिखाया जा रहा है, मतलब और भी बहुत सारे देश से प्लेयर आने वाले हैं इस लीग में। तो इसे ही आप समझो ये लीग कितना बड़ा होने वाला है। और मैं आपको बता दूँ, जो भी टीम इस लीग को जीतेगी उसको 1,25,00,000 रुपये मिलेंगे, मतलब इस लीग का विनिंग प्राइस है 1,25,00,000। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए आप बस इतना ही अपडेट रखो। अभी मेरे पास और भी बहुत सारी अपडेट है, रियली में अभी मेरे पास अभी बहुत सारी अपडेट्स हैं, पर वो मैं आपको आगे के वीडियोस में दूंगा। ये तो वीडियो मैंने बस इसलिए बनाया ताकि मैं जान सकूं कि आपको कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है कबड्डी लीग्स के लिए। आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद इस लीग के ऊपर और भी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा होगा। तो आप नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना कि आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो इस लीग के लिए, यार मतलब जरूर बताना। और अगर मुझे इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो जितनी भी अपडेट्स हैं मेरे पास इसके बारे में, जितना भी मुझे पता है, वो सब मैं आपको जल्दी से जल्दी बताना चाहूँगा और बताऊँगा भी। वो रिस्पॉन्स से कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो यार मैं जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा और इस पर और भी ज़्यादा ध्यान दूंगा, सारी अपडेट दूंगा जो भी मुझे मिले। तो इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स दो और मैं आपको जल्दी जल्दी सारी अपडेट दे दूंगा। और शेड्यूल और स्क्वाड के लिए तो आपको 2019 का वेट करना ही होगा। इसके अलावा जितनी भी अपडेट्स हैं मेरे पास इस लीग को लेकर, वो मैं आपको सब बताऊंगा अगली वीडियोज़ में। तो बस यही थी ये वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगली कबड्डी वाली वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।